मैं लॉ कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था। गर्मियों का मौसम था। हम सब दोस्त पानी पीने कूलर के पास गए। वहाँ कुछ लड़कियाँ जो बीकॉम की तालिबात थीं पहले से पानी पी रही थीं। हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे कि ये जगह दें तो हम भी पानी पिएं। वहाँ खड़े मैंने एक दोस्त को बुलाया जो कि उनका क्लास फेलो था और मेरा भी दोस्त था। मैंने कहा, इन सबको जल्दी करो, हमने भी पानी पीना है। खैर, उसने मेरे लिए एक गिलास पानी भरा और मुझे दे दिया। उन लड़कियों के ग्रुप में एक पीले रंग के दुपट्टे वाली लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। वो मुझे बेहद पसंद आई। मैंने उस दोस्त को बोला कि यार, इस लड़की का नंबर तो दिलवा दो। तो वो लड़का बड़ा हैरान हुआ और बोला कि यार, अजीब बात है, वो तो अक्सर बताती है तुम्हारा कि तुम उसके कज़न हो और अक्सर तुम्हारे बारे में बताती है कि वो तुम सबको जानती है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है। ये बात सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई और खुशी भी बहुत हुई कि चलो अच्छा है, वो मेरी दूर परे की कज़न है। खैर, अगले दिन मैंने उस लड़की से बात की, अच्छी गपशप हुई और इस तरह बात का सिलसिला जारी हुआ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैंने अपनी वालदा से बात की रिश्ते की और मेरे घर में कोई नहीं माना, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। वो लड़की थी तो मेरे दूर परे की कज़न, लेकिन दोनों फैमिलीज़ के मयार में बड़ा फ़र्क था। खैर, मेरी फैमिली से उस वक्त तो कोई ना माना, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद मैंने अपने वालिद साहब को मना लिया और वो उनके यहाँ चले गए। वहाँ जाकर जब उन्होंने उस फैमिली से बात की तो उस फैमिली ने बड़े अजीब डिमांड्स रख दी। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के नाम इस लड़के की सारी ज़मीन कर दें, बहुत सारा सोना, घर और बहुत कुछ। मेरे वालिद साहब तो बेहद परेशान हुए और वो वहाँ से चले आए और घर आकर शदीद बरहम हुए कि एक तो वो ख़ानदान और लड़की हमारे मयार के नहीं हैं और दूसरा उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। इतनी डिमांड्स कौन करता है? वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह मेरा रिश्ता ना हो सका। मैं और वो लड़की दोनों बहुत तकलीफ़ में थे और हमारा रابطہ ख़त्म हो गया। मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा। वो मेरी पहली मोहब्बत थी और रहेगी। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि क्यों हमारे माशरे में नाजायज़ डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। क्यों लड़के की अच्छी नौकरी अच्छा मयार देखा जाता है और क्यों लड़की के ख़ानदान का मयार देखा जाता है? दोनों तरफ ही ख़ानदान, ज़बान और ज़ात को क्यों देखा जाता है? ये सारी डिमांड्स और मयार मोहब्बत को खो देने की बड़ी वजूहात हैं।